29 तारीख की शाम को कंट्रोल रूम और डीएम साहब से सूचना मिली थी कि एक बालक हाथ में दूध की केन लेकर काली सिंध नदी के पुल को पार कर रहा था, जो कि नदी में गिर गया है। जैसे ही सूचना मिली, वैसे ही होमगार्ड और SDERF की टीम तुरंत स्पॉट पर पहुंची और सर्चिंग जारी की, लेकिन वहां पर सर्चिंग के दौरान सफलता हाथ न लगी। दूसरे दिन भी सुबह से शाम तक सर्चिंग की, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन आज 48 घंटे बाद होमगार्ड के विक्रम सिंह और नर्मदा सरावत प्लाटून कमांडर SDERF की टीम को सफलता हाथ लगी और बालक का शव बरामद कर पुलिस और परिजनों को सौंप दिया। 29 तारीख शाम से जो बालक डूबा हुआ था यहाँ पर काली सिंध नदी में, सकेत खेड़ी और निचमा गांव के बीच में जो पुल है उस पर से, वो आज हमको 48 घंटे बाद सफलता मिल गई है। और अभी थोड़ी देर पहले ही 15-20 मिनट पहले हम लोगों ने डेड बॉडी रिकवर कर ली है और परिजनों और पुलिस के सुपुर्द। 29 तारीख को 7 बजे करीब सूचना मिली थी मैं कंट्रोल रूम से और DM सब से कि सकत खेड़ी गाँव में बच्चा काली सिंध नदी पार करते हुए जो दूध की वो लेके जा रहा था तो गिर गया है। तो उसी समय हम रेस्क्यू टीम लेके आए थे होमगार्ड तथा SDERF दोनों की। तो रात को 12 बजे तक हम लोगों ने सर्चिंग की थी उसकी जी, तो कोई सफलता नहीं मिली थी। दूसरे दिन फिर सुबह से लेकर शाम तक लगातार 2 मोटरबोट के द्वारा सर्चिंग की गई, लेकिन पता नहीं चला। उसके बाद हमने SDERF भोपाल से डीप डाइविंग की टीम बुलाई जो 10 लोगों की आई है एक अधिकारी के साथ, उनके द्वारा भी लगातार सर्चिंग की जा रही है। सुबह से उनके द्वारा सर्चिंग की है, उनके द्वारा 2 सिलेंडर से अभी तक सर्चिंग की गई है। करीब 40-40, 80-80 मिनट, एक सिलेंडर की कैपेसिटी 40 फुट होती है, 80 मिनट में अभी तक कोई ऐसी सफलता प्राप्त नहीं हुई है। और अभी ये लगातार जब तक डेड बॉडी उनकी सर्च नहीं हो पाती तब तक सर्चिंग जारी रही। नदी में गिरने की सूचना मिली थी, हमारे यहाँ पे जल सलाई का स्टाफ आया था और उसके बाद पता लगा था कि वो बालक गिरा है 15 वर्षीय, तो उसकी तलाश के लिए गोताखोर और सभी को खबर की थी। SDERF की टीम जो है उसी दिन रात में आ गई थी, तब से उसके सर्चिंग और रेस्क्यू कार्यक्रम चल रहा है और अभी तक जो है सफलता नहीं मिल पाई। सर कितना टाइम होगा अभी? करीब लगभग 40 घंटे से ज़्यादा हुआ है। 40 घंटे ज़्यादा हुआ और अभी भी ये देखिए आप, अभी भी ये चल रहा है मोटरबोट वगैरह, और गोताखोर भी यहाँ उपयोग में किए गए हैं। 40-40 घंटे के गोताखोर हैं, उनने बेचारों ने उन्हें भी प्रयास किया है काफ़ी, और अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। रात को अंधेरा हो जाता, ओस होती, थोड़ा रेस्क्यू में थोड़ी परेशानी आती, पर फिर भी रेस्क्यू बराबर रेगुलर चल रहा है। तो संभावना है जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, जो भी है हकीकत सामने आना चाहिए। शुजानपुर से मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट।